नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं सिंपली सपोर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम YouTube के शॉर्टकट के बारे में, हम कैसे YouTube का शॉर्टकट बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर विथ उसके आइकन के साथ। उसका एक बटन बन जाएगा जिस पर आप क्लिक करते ही आपका YouTube खुल जाएगा। आपको YouTube खोलने के लिए आपको ब्राउज़र में जाने के बाद YouTube टाइप करना नहीं पड़ेगा, या आप कुछ क्लिक्स बचा सकते हो, शॉर्ट में YouTube खोल सकते हो। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो आप देख सकते हो ये हमारा डेस्कटॉप है। आप अभी देख सकते हो यहाँ पे किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट आइकन बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस ये है, हम जाएंगे हमारे क्रोम ब्राउज़र की ओर, क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। खोलने के बाद में आप यहाँ पे YouTube खोलोगे, चाहे YouTube टाइप करके खोल सकते हो, चाहे आप यहाँ अगर आपने पहले विजिट किया है पेज तो वहाँ से खोल सकते हो, या आप चाहो तो ये गूगल की जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्लिक करोगे, गूगल ऐप्स खुल जाएगी, यहाँ से YouTube खोलोगे। तो कहीं से भी YouTube खोलने के बाद में आप जैसे YouTube खुल जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंगल यहाँ पे क्लिक करना, ये जो थ्री डॉट दिख रहे हैं आपको यहाँ क्लिक करोगे, ये बेसिकली इसका मेनू होता है। इस पेज पे जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें जाना है मोर टूल्स। यहाँ जाने के बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है क्रिएट शॉर्टकट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हमारे शॉर्टकट का नाम पूछ रहा है, यूट्यूब काफ़ी है, ये नाम सही है। तो ये करने के बाद में हम क्रिएट क्लिक करेंगे, ये करते हैं, हमारा डेस्कटॉप पे आइकन बन चुका है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे आइकन आ चुका है। इस तरह से आइकन बनाया जाता है। तो अब हम अगर इसे क्लोज कर देते हैं, अब जब भी हमें YouTube खोलना होता है दोस्तों तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, सिंपली क्लिक करते आपका YouTube खुल जाएगा, बिल्कुल फ्रेश पेज हर बार खुल जाएगा। जब भी आप खोलना चाहोगे तो आपको एडिशनली टाइप नहीं करना पड़ेगा, ब्राउज़र खोलना नहीं पड़ेगा, आपकी दो तीन स्टेप बच जाएगी। तो इस तरह से आज का एक छोटा सा क्विक टिप्स वीडियो था। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की टेक्निकल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।